रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू ने आगामी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी एवं कांग्रेस शासन की नाकामियों के बारे में की बातचीत। आप बताइए, आपका प्रतिद्वंदी अभी घोषित हो गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? तैयारी तो पहले आधे अधूरी हो गई थी। प्रतिद्वंदी चिर परिचित, क्षेत्र की जनता भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार में रहते हुए और 5 साल उसके पहले 10 सालों से वो इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा को किस प्रकार से गर्त में डाला है, तो चिरपरिचित चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये परिवारवाद की परंपरा तो कांग्रेस की ये रही है और उसी का ये पालन कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार से लोकतांत्रिक पद्धति होता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में सबको अवसर मिलता है। एक चाय वाला बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, एक जो आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चलता है। तो चिरपरिचित चेहरा है, कोई नई चेहरा नहीं है और क्षेत्र की जनता उनको परख चुके हैं, जान चुके हैं क्षेत्र में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। हर चीज़ों में उनका कमीशन बंधा हुआ है, सारी केंद्र की योजनाओं को लूटा खसूटा गया है और क्षेत्र में जो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी से क्षेत्र की जनता त्रस्त है। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव के मैदान में है, जनता फैसला करेगी। जनता चाह रही है कि अब परिवर्तन चाह रही है। अब जनता कह रही है कि 2018 में जो घोषणा पत्र था एक भी वादा पूरा नहीं किया, अब नहीं सही वो बदल के लिए, ये जनता की आवाज़ है। तो परिवर्तन का अवसर है, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कमल खिलेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इस चुनाव में जो आपके क्षेत्र है, इसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ, जो नशा का जो कारोबार है पूरी जनता को परोसा गया, चाहे वो शराब की मामला हो, चाहे गांजा की मामला हो, भांग का मामला हो, ऐसे अनेक प्रकार के मादक पदार्थ इस खासतौर पर रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जिस विधायक और उनके परिवार के सहयोग से यहाँ पे अवैध रूप से पूरी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। लोग त्रस्त हैं, माता बहने परेशान हैं, शर्मसार है छत्तीसगढ़ में और इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा में। तो इन्होंने तो कुछ दिया नहीं क्षेत्र को, एक ढेले का कोई विकास कार्य किया नहीं सिवाय लूटने के। तो अब गुंडागर्दी, अपराध, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, और पूरी सड़कें खुदी हुई है, नाली बजबजा रहा है, जगह जगह गंदगियाँ पसरा हुआ है। एक खूबसूरत छत्तीसगढ़ को बदसूरत में 5 साल में कांग्रेस ने बदल दिया, अब इसका बदला चाहता है और इसको बदल के रहेंगे और रायपुर ग्रामीण कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।